नमस्कार, मैं कुमार श्याम। इस देश के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि देश के अंदर लोकतंत्र है तो आप सबसे बड़े नशे में हैं या फिर आप सबसे बड़े मुगालते में हैं। इस देश के अंदर सिर्फ जनता के हिस्से वोट डालना है, वोट डालकर अपने ऊपर सरकार चुननी है और सरकार का सितम सहना है। यह लोकतंत्र सिर्फ कुछ ही ताकतवर लोगों, कुछ ही एलीट लोगों के खेलने की वस्तु बन गई है। एक दादागिरी का स्रोत बन गया है ये आपका लोकतंत्र। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सी वजहें हैं और आप ही इन वजहों को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम संस्थाएं झोंक दी गई है, पूरा देश स्तब्ध है और शासक दांत निपोर कर हंस रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि BSF में भ्रष्टाचार और खराब खाने के खिलाफ आवाज उठाने वाले तेज बहादुर यादव, जिनको बर्खास्त कर दिया गया था अनुशासनहीनता के कारण, और उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया बनारस से, और उनको कुछ तकनीकी कारणों की वजह से उनका जो नामांकन था उसको खारिज कर दिया परसों। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते। पहली बात, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप हमें घटिया खाना खिला रहे हैं। यदि आप ये कहते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, तमाम आपकी योग्यताएं हैं उन पर लाल लकीर मार दी जाएगी, आपकी जो पेंशन है उसको रोक दिया जाएगा और आपको एक तरह से अलग थलग कर दिया जाएगा। आपके पास जो भी सहारा है उसको छीन लिया जाएगा। ये आपका लोकतंत्र है। आप इस तरह से एक जवान को उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई गई आवाज को पहले रौंदते हैं, उसके बाद उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और उसकी बहादुरी, उसकी देशभक्ति को आप इस तरह से सम्मानित करते हैं। ये आपका लोकतंत्र है। और जब वो राजनीतिक रूप से प्रतिरोध का स्वर मुखर करता है, उसको पता है कि वो नहीं जीत पाएंगे। वो प्रतीकात्मक रूप से देश में ये एक मैसेज देना चाहते हैं, ये मिसाल खड़ी करना चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र, मैंने जैसे कहा, ये कुछ ही ताकतवर लोगों के मनोरंजन की वस्तु है, उनकी दादागिरी की वस्तु है और उन्होंने उनका नामांकन खारिज कर दिया। खारिज किस तरह से किया कि गलती से तेज बहादुर यादव ने पहले नामांकन में उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप सही का कुछ लिख दिया था, उसके बाद में उन्होंने गलती सुधार ली थी और जो स्थानीय चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसमें वो स्वीकृत कर लिए जाते हैं। उसके बाद में उनसे भ्रष्टाचार संबंधी एक प्रमाण पत्र मांगा जाता है जो कि उनके फॉर्म में संलग्न होना था और उसको प्राप्त करना था दिल्ली से चुनाव आयोग से, और उनको लाने के लिए इतना कम समय दिया गया कि वो नहीं ला सकते। और जब उनके जो डेडलाइन खत्म होनी थी वो हो गई, वो नहीं पहुंच पाए, उनका नामांकन खारिज हो गया। अब आप कहेंगे कि वह प्रमाण पत्र क्यों नहीं उपलब्ध करवा पाए। वो इसलिए उपलब्ध नहीं करवा पाए क्योंकि उनके पास कोई प्लेन नहीं है अंबानी की दी हुई, उनके पास कोई हवाई जहाज नहीं है, उनके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, इसलिए वो नहीं दे पाए। इसी तरह से अनेक किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे, उनमें से अधिकांश उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो चुके हैं कथित रूप से इन्हीं गड़बड़ियों के कारण। इस देश के अंदर एक भ्रष्टाचारी चुनाव लड़ सकता है, हत्यारा चुनाव लड़ सकता है, बम ब्लास्ट का आरोपी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक जवान अपनी जो प्रतिरोध की आवाज है उसको देश के पटल पर रखने के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। यह है आपके मोटा मोटी लोकतंत्र की परिभाषा जो कि अब बनकर जो रह गई है। अब आप इस पर विश्वास करें, इसके वैकल्पिक समाधान की ओर अग्रसर हों, चाहे आप इसी लोकतंत्र पर प्रसन्न होते रहें, यह आपका विकल्प है। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। इस देश को हमने मेहनत करके अर्जित किया था। इस देश को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने अपनी जानें दी थी, लेकिन इस देश को, इस देश की संस्थाओं को एक एक करके तोड़ा गया, उनको अंदर से खोखला किया गया। मीडिया को तोड़ा गया, न्यायालय को तोड़ा गया, जांच एजेंसियों को तोड़ा गया और उसके बाद में इस चुनाव आयोग को अपनी उंगलियों पर नचाया गया। ये नायाब उदाहरण है, इनसे आप मुख नहीं मोड़ सकते। आप चाहे मोदी के समर्थक हैं, चाहे उनके खिलाफ हैं, लेकिन आप जो तस्वीर देख रहे हैं देश की, उससे आप नकार नहीं सकते। लेकिन अब ये जनता पर है कि जनता क्या करती है। तमाम तरह की जो संस्थाएं थी उनको कैप्चर कर लिया गया है। पहले मीडिया को कैप्चर किया गया, अब जनता की जो आवाज थी, जो सत्ता के कानों में गूंजती थी मीडिया के माध्यम से, उस मीडिया को
अपने चरण वंदना के लिए अपना भक्त बना लिया गया है और तमाम मीडिया घराने, तमाम अखबार, तमाम टीवी चैनल्स सत्ता के चरणों में है। अब वो आपके आवाज उठाएंगे नहीं। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के चार जज बाहर आते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके उच्चतम न्यायालय में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब बताइए, जज लोया की जो रिपोर्ट थी, वो जो मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि हम इसकी जांच नहीं करेंगे, आप करवा लीजिए। जो ये विश्वास था न्यायालय में लोगों का कि सुप्रीम कोर्ट है, वहां तो हमें न्याय मिलेगा, वहां पर न्याय किस तरह से मिल रहा है वो आप सब जानते हैं। उसके बाद में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI, उसके जो बड़े बड़े औदाधिकारी थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, रातों रात उसको बिखेर दिया गया, कुछ नहीं हुआ। अब आप देखिए कि आपके जो मामले हैं, देश की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, वो अगर सत्ता के इशारों पर नाचती है, तो अब आप देखिए कि आपकी जगह वहां पर क्या है। इन तमाम विडंबनाओं के बाद में जनता के पास एक चारा बचा, सिर्फ वोट, और वो वोट था चुनाव आयोग के हाथ में। अब इस चुनाव में जिस प्रकार से चुनाव आयोग को कैप्चर कर लिया गया है, अब आपकी जो अंतिम ताकत थी वो भी लोगों के इशारों पर चल रही है। बूथ पर जाकर बीजेपी के लोग जबरदस्ती बीजेपी को वोट डलवा रहे हैं, बेगूसराय का मामला है। ईवीएम पर बटन अगर आप कांग्रेस का दबाते हैं तो वोट जाता है बीजेपी को, बसपा का दबाते हैं तो वोट जाता है बीजेपी को, और इस मसले पर कोई प्रश्न उठा दे तो ये देखिए विपक्ष वाले हारने के डर से ईवीएम पर प्रश्न उठा रहे हैं। गड़बड़ियां हुई है अनेक बूथों पर, लेकिन कहीं चर्चा नहीं है, मीडिया कैप्चर कर ली गई है। नुक्कड़ों पर, सड़कों पर, घरों में चर्चाएं होती है, उसका कोई महत्व नहीं है। और इस मसले का सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है और सबसे भयानक है कि सत्ता पक्ष की तरफ से सेना के जवान बूथों पर भेजे जा रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने के लिए वहां पर लोगों को विवश करो, वीडियोज आ रहे हैं। अब आप देखिए ऐसी कौन सी चीज रह गई, पहले तो सैनिकों के रक्त पर वोट मांगे गए, चुनाव आयोग ने तमाम मामलों में क्लीन चिट दे दी गई नरेंद्र मोदी को, एक भी एक्शन नहीं लिया गया, एक भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अपने रोड शो में 70 लाख की जो बाध्यता है उससे ज्यादा खर्च की, उसकी शिकायत संजय सिंह ने कर दी चुनाव आयोग में, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। अब जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद में कार्रवाई करें या न करें उसका कोई मूल्य नहीं है। तो आप समझिए किस तरह से पूरे देश की संस्थाओं को अपने उंगलियों पर नचाने का जो काम हो रहा है आपके सामने हो रहा है, और आप चुपचाप इस पूरे प्रक्रम को देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और दरअसल हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है आपके पास कि आप कुछ कर सकते हैं। आपका वोट भी आपको नहीं पता है कि कहां जा रहा है। ईवीएम अगर खराब नहीं है तो बाहर से आपको दबाव बनाया जाएगा, गुंडे आएंगे, अपने बाहुबल के दम पर आपको वहां पर वोट डालना पड़ेगा। और अगर आप ईवीएम में वोट डाल देते हैं तो आप आश्वस्त मत होइए कि आपने जहां डाला है वहीं जाएगा, कहीं और जा सकता है। तो ये जो आपका लोकतंत्र है वो आपके सामने है, आप किसको जिताएंगे किसको हराएंगे वो आपके हाथ में है नहीं, आपके मुद्दे ये राजनेता तय करेंगे, चुनाव आयोग क्या करेगा ये सत्ता पक्ष तय करेगा, किस पर कार्रवाई होनी है वो कोई और तय करेगा, कौन मोदी के खिलाफ लड़ सकता है ये खुद मोदी तय करेंगे, कोई लड़ने वाला तय नहीं करेगा, कोई विपक्ष नहीं है, मोदी जी खुद अकेले लड़ेंगे। तो ये आपका देश है, 5 सालों में हम इतनी लंबी प्रक्रिया पूरी करके इतना हम विकास कर पाए हैं। सोचिए, इतने नाम से सोचिए, आप इन प्रश्नों पर विचार करके भी मोदी के समर्थक हो सकते हैं, बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं, उनके विपक्षी हो सकते हैं, लेकिन ये मुल्क सरकारें 5 साल रहती है, लेकिन ये मुल्क आपके आने वाले नस्लों के लिए भी जिंदा रहना जरूरी है। मुझे आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, पास से बेल आइकन उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और अगर मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर एक लिंक है, उस पर जाएं, वहां जाकर आप सामर्थ्य अनुसार राशि मुझे दे सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।